चलिए इस खबर में कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाए। हम ज्ञान की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा दारोमदार इस खबर का ज्ञान से ही है, यानी कि ज्ञानू सिंह नाम का व्यक्ति है जो ज्ञान देता है, तो ज्ञान ले लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक खबर देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञानू सिंह कितनों को ज्ञान बांट चुका होगा। आज प्रेस वार्ता में 9 लोगों को लाया गया। 9 लोगों के चेहरे में नकाब थे। नकाब इसलिए थे क्योंकि इन्होंने इलाज के नाम पर एक दंपति को लूटा था। वो दंपति अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। इसी बीच ज्ञानू सिंह नाम का व्यक्ति मिला और ज्ञानू सिंह ने उन्हें ऐसा झांसा दिया कि उन्हें कहा कि एक और भी एक पहचान वाले हमारे बड़े बैगा है जो उनका इलाज करेंगे या वैद्यराज हो इलाज करेंगे। उसके बाद उन्हें लगातार कभी 5,000 कभी 1,000 2,000 और 25,000 तक उनसे लूटे। एक स्थानीय जगह पे ले गए जहाँ पे उनके पहले से लोग मौजूद थे। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें महिला भी थी और एक वर्दीधारी पुलिस भी था। उनसे भी उसी वक्त 25,000 के आसपास लूट की और जिसके बाद और भी डिमांड कर रहे थे। सारी बातें अब सुनिए एएसपी लखन पटले द्वारा। चौकी चिखली अंतर्गत एक दंपत्ति थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी वाइफ को पैर के नीचे कहीं प्रॉब्लम है। लगातार वो इलाज करा रहा था किंतु अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने आयुर्वेद इलाज या झाड़ फूक के हिसाब से वो कहीं लोगों को ढूंढने लगा। उसको ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति है आसपास के गांव का, वो इस प्रकार से लोगों को ठीक करता है। इस आधार पर उसने उनसे संपर्क किया। उसने उसको टाइम दिया कि 9 नवंबर को अपन उसको जो बाहर से जो बस्तर की तरफ से कोई बैगा आता है वो इलाज करेगा। इस डेट के आधार पर उसके घर पहुंचा और उनको एक बोरडी करके गांव ले जाया गया जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वहां पहुंचे तो जैसे ही इलाज स्टार्ट हुआ और उसके पति पत्नी दोनों को अलग कर दिया गया। फिर दोनों जगह पे एक वर्दीधारी लोग वहाँ पहुँचे और रेड किए और उन्होंने बोला कि यहाँ गलत काम चल रहा है और पुलिस पहुंची हुई है और आप सब शराब बेच रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस डर से उन्होंने वहीं पर बातचीत करके उनको 20,000 रुपए दिया। पूर्व से 5,000 रुपए उसमें लिया गया था, इस प्रकार से 25,000 रुपए वहीं ले लिए। फिर से डरा धमका कर 5,00,000 की मांग की गई किंतु ऐसे नहीं होने के कारण उसने अपने साले से 1,00,000 रुपए दिया और फोनपे के माध्यम से ट्रांसफर कराया और इसमें वहां से तब उनको छोड़ा गया। बाद में फिर से पैसे की मांग की गई तो वो थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज किया। इसमें 9 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी अभी फरार है। इसमें एक पुलिस का पूर्व कांस्टेबल जो कि अभी फरार है और वो सस्पेंड भी है। पूर्व में इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज था और इस पर कार्रवाई की जा रही है। 419, 420 और इसमें और भी धाराएं इसमें आकर्षित होगी, उसको लगाया जाएगा कार्रवाई।